कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी तो यहाँ नहीं है, कहाँ चले गए? पानी में घूर रहे हैं ऐसे, बात का है भाई, हम ही देख लेते हैं। हाँ, अब समझ में आया कि आप पानी में का घूर रहे हैं, आप अपना परेशानी को घूर रहे हैं, है ना? और पता है का घूर रहे हैं? आप पानी में, आप पानी में ही देख रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा जी से कितना प्यार करते हैं। कहे कि कब से अपना मन मार के यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए। सही कह रहे ना, यही देख रहे ना पानी में। देखो ऐसा है, हर बात का ना अपने स्वभाव के हिसाब से हल्का ने बनाया, समझी? और जो उन बात पता ना हो ना, के बारे में ऐसे कूद कूद के बोलने से बचो, ठीक है? तुमने जानती हो कितना ख्याल रखती हो हमरा, मुझे उन कुछ भी करती है ना, बहुत सोच समझ के करती है, ऐसे मतलब बेवजह फालतू में ऐसे 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 नहीं करती। वो हमसे नाराज है, हमसे गुस्सा है, तो इनके पीछे भी कोनो बड़ी वजह है, जानते हैं? ताकि अब हम खुद ही नहीं पता लगा पा रहे हैं, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये का है? हमारी बुद्धि का खोट है ना, और का है? अगर ऐसा बात है तो फिर ये बताइए, जब आप उनसे कमरा में मिलने के लिए गए तो आपको बाहर काहे निकाल दी, अंदर काहे नहीं आने दी? अब उनका ये बर्ताव के पीछे कोनो कारण तो होगा ना, या वो ऐसे ही? छोड़िए, हमको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है आपको। थैंक यू। वैसे हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आप प्रतिज्ञा जी पर एक बार भी आप गुस्सा नहीं किए, इतना कुछ होने के बाद भी? मतलब प्यार का एक तरफा होता है, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, पर वो है कि आपको बस लाल सिग्नल दिखाती रहती है, मतलब आप उन पे जरा सा भी गुस्सा नहीं किए, और वो है कि उनका उनका पारा ऊपर चढ़ता रहता है। मतलब ये कहाँ है? अब उनका पारा चाहे जितना मर्जी ऊपर चढ़ जाए, बाकी हम उन पे गुस्सा नहीं कर सकते हैं, बस। एक और सवाल पूछेगा, आखिरी सवाल, आपको वो किटपिट मैडम में कहाँ दिखता है ऐसा? मतलब पूरा दुनिया छोड़ के आपको सिर्फ वही दिखती है, उनमें ऐसा कहाँ है कि आप उनको इतना प्यार करते हैं? अब कोनो एक खूबी हो तो बताएं, हैं? अरे वो औरत नहीं है, एकदम ऐसे गुणों का खजाना है, समझी? हाँ, मतलब खाना खुद खाए चाहे ना खाए, बाकी हमका जरूर खिलाई, उनकी नींद चाहे पूरी हो चाहे ना हो, हमरा नींद का कोटा पूरा करा के ही मानेगी, ऐसी है, बहुत बहुत ध्यान रखती है। अब कहा जैसे हम तो ये जो
मर्द जात हैं, कितना ऐसा आलतू फालतू बात करते हैं, लेकिन ऐसा कब्बो नहीं की कि मतलब ऐसे भाला बर्छी लेके हमारे ऊपर चढ़ जाए, ऐसा नहीं, बहुत प्रेम से, आराम से, एकदम सुकून से समझाती है। समझ लो यार, हम मतलब एकदम डेंजर थे पहले, महादुष्ट लड़के थे, वो तो हमारी जिंदगी में आए गए, वरना अभी कहीं पैसे लूटपाट मचाए रहे होते, कहीं जेल फांसी लग चुका होता हमको। वो हमका गुड बॉय बनाई है, बदली है हमका। अरे यार, उनका तारीफ करते करते हमको को याद ही आएगी यार, हैं? हम सोचे यहाँ थोड़ा शांति से सुकून से बैठेंगे, अभी अब बेचैन हो रहे हैं, उनका चेहरा जो है हमारी आंखों के सामने घूम रहा है अभी का। हम कुछ सोचे आपके लिए। क्या? अब आप ही खुद ही कहे कि वो खुद खाना नहीं खाएगी पर आपको जरूर खिलाएगी, कहे ना, तो आप एक काम कीजिए, आप खाना छोड़ दीजिए, और जब ये बात उनको पता चलेगा कि आप खाना नहीं खा रहे हैं तो खुद ही खाना लेकर आएगी आपके पास, और जैसे ही खाना खिलाने आएंगी तो बस अपना जादू चला दीजिएगा। अरे हाँ यार, ये तो गजबे तरकीब है, हैं? अरे हमरे दिमाग में काहे नहीं आई बात, मतलब हम खाना छोड़ देते हैं, वो मालूम पड़ेगा वो भाग के हमको खाना खिलाने आएगी, हैं? ये बढ़िया, थैंक यू यार मीरा, वैसे पहली बार ऐसा काम लायक बात की हो तुम, पहली बार। हे भगवान, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपको हमारा बात पहली बार कोई काम लायक लगा है। वैसे जो ये थैंक यू कर रहे हैं ना आप हमको, ये गिटपिट मैडम को पूरी तरह मनाने के बाद कीजिएगा, और जब वो प्यार से आपको गिटपिटाए उसके बाद। ठीक है गर, तुम्हारे लिए ना एक खुशखबरी है, कल तुम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए जाओगे, हमने तुम्हारे लिए सारी तैयारियां कर दी है। तो फाइनली हमें स्कूल पिकनिक पे जाने की परमिशन मिल चुकी है। नहीं मम्मा, हमें अब स्कूल पिकनिक पे जाने का मन नहीं कर रहा, हमें यही आपके साथ रहना है। अरे कल तक पिकनिक जाने के लिए इतना उधम मचाया था तुमने, आज जब हम मान गए हैं, सारी तैयारियां कर ली है, तो अब क्यों नहीं जाना, क्या हो गया? किसी ने हमसे कहा कि आपकी मम्मा हर जिद पूरी करती है आपकी, तो क्या आप मम्मा की एक जिद पूरी नहीं कर सकते? हमें लगा कि हम आपकी एक जिद पूरी कर ही सकते हैं। तो गर्दभ दास, तुम भी फिर रहने ही दो, का करोगे जाके, यहाँ ही रहो, जैसे हम सब हवा में झाल बजाए रहे हैं, तुम हो बजाओ। बैसन, ये बाबा कहाँ रहेगा, दिखाई नहीं दे रहा। अरे हम बहुत कोशिश किए, बहुत बुलाए, लेकिन वो कमरे का बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ हो गया है उनको, अब पता नहीं किसका गुस्सा हम पर उतार रहे हैं वो, मतलब हम तो सिर्फ इतना ही कहे थे कि बाहर आकर खाना खा लीजिए, कहे कि खाली पेट से ना गैस हो जाता है और गैस कपार पकड़ लेता है, लेकिन नहीं, हमारा बात कौन सुनता है, उनको तो सिर्फ ही गिटपिट मैडम का भाषा समझ आता है, इसलिए हम तो हार मान ली और आ गए हम। अच्छा किया तुम यहाँ चली आई, अरे काहे लिए मनाए रही थी इतना, सही है जगह पर जान लगाओ ना। बाकी जोन बाबा है वो भूखा नहीं ना रह सकता, उनको भूख बर्दाश्त नहीं है, और वैसे भी आज उनका पसंद का खाना बना है, का है, का कहते हैं इसे, दाल बाटी, तो देखना खुद ही आ जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। वैसे एक बात बता सकती भाई तुमका, या ना सब जानते हैं कि कौन कितना भूखा है और कितना कौन ठूस के खाता है। तुम चे नहीं छोड़ोगे ना अपना। अरे हमारी बात तो सुन लो यार, इली अपना ये गुण ना कृष्णा भाई पे ना थोपे की कोनो जरूरत नहीं है, बता रहे कि कृष्णा भाई की ना सब आदत नहीं है, उसका भूख भूख सब बर्दाश्त कर लेता है, बाकी मुद्दे की बात ये है कि वो खाने के लिए काहे नहीं आया, भाई हमका तो ये लगता है कि प्रतिज्ञा ही ना कुछ गलत की होगी, गुस्साए गए होगा, ये लेने आया है, और वैसे खुद है तो वो आने वाला है नहीं, तो एक काम करो, एक प्लेट सजाओ और उसके पास लेके जाओ। नहीं जाएंगे हम,
रहने दो उसे भूखा, एक दिन नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। अरे सुन लो ये सब क्या कह रही है, तुम्हारा ना वज्रा जैसा कठोर कलेजा हो गया, एकदम पत्थर हो गई हो। अरे आप दोनों एक दूसरे को दोष देकर चुप हो जाएंगे, सारा पाप हमको लगेगा। खाए की सबका ध्यान रखना, खाना खिलाना हमारा जिम्मेदारी है, और अगर कृष्णा जी नहीं खाएंगे तो सब कुछ व्यर्थ जाएगा। प्रतिज्ञ जी देखिए, आप दोनों के बीच जो भी हो, लेकिन गुस्से में खाना ना खाए ये भी ठीक नहीं है ना। हमें लगता है कि आपको जाके खिला देना चाहिए। हाँ अब हम क्या कहें, हमारी बात कौन सुनता है, जिसको जो मन है वो करे। अरे खाना तो बनाए रही है, पर पूरा पंचायत का जोर देने के बाद खाना बनाए तो का बनाए, दिल नहीं ना उमें। अब ऐसा खाना का लगेगा, का पचेगा, हजम नहीं ना होगा। अरे इतना अशुभ बात काहे करते हैं आप, सिर्फ चुप रहिए ना। प्रतिज्ञा जी अपना हाथ से कुछ भी खिलाएंगी तो कृष्णा जी को हजम होगा। जान ले लो हमारी, हमका भूखा रख के यार, इतना इतना जला कटी सुनाए के हम हमारा दिल भर दीस, या कुछ खिलाए के हमारा पेट भर दो यार। बाबू का चला जाएगा तुम्हारा, ये लो जाओ जाकर कृष्णा को दे दो। पर हम काहे जाएं, आप जाने वाली थी ना। हम नहीं जाएंगे। अरे आप जानती है ना कि जब वो गुस्सा जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो गुस्सा में यही प्लेट हमारे ऊपर ना फेंक दे। ऐसे कहाँ देख रही है, कहाँ सोच रही है आप जानती है ना, वो सिर्फ आपका भाषा समझते हैं। हम नहीं जाएंगे, ये जो इतना बड़ा तूफान हो रखा है ना, उसको शांत आप ही कर सकती हैं। आप जाइए। उसका तूफान तो शांत हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा तूफान भड़क गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं ये लो और जाओ और जाकर कृष्णा को दे आओ। मतलब हम खाने खाना छोड़ देते हैं, उसका मालूम पड़ेगा वो भाग के हमको खाना खिलाने आएगी है। कृष्णा जी कितना विश्वास के साथ ही बात बोले थे कि हम नहीं खाएंगे तो प्रतिज्ञा भी नहीं खाएगी, लेकिन ये गिटपिट मैडम का बर्ताव सुनेंगे तो उनका तो विश्वास के साथ साथ दिल भी टूट जाएगा। अब हम क्या करें भगवान, कृष्णा जी तो बहुत दुखी हो जाएंगे। अरे यार अरे लग रहा कुछ बहुत ही भयंकर बना है। अरे यार ऐसा फालतू सोच रहे थे हम, अरे हमारा बाबू हमका भूखा रहने देगा का यार। आए जाओ आए जाओ। ए बाबू बे यार तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ये खाना गिटपिट मैडम भिजवाई है का? और वो ये भी बोली है कि आप ही प्लेट से खाना खा लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर भूखे सो जाइएगा। ऐसा बोली? मतलब तुम सुनी का? अच्छा हम तो कहते हैं कि आप खाना खा लीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला है, गुस्सा बहुत ज्यादा लगता है, वैसे भी खाना और सोने के मामले में ना प्यार को साइड में ही रख देना चाहिए, वही ठीक रहता है। हम रख रहे हैं यहाँ, खा लीजिएगा। वैसे खाना तो बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या है? मतलब दाल बाटी तो बहुत बार खाए हम, लेकिन ये एक ही दाल में इतनी सारी आइटम, इसे खाते कैसे? अब तो खा के देख लो ना खुद ही। इसे दाल बाटी चूरमा कहते हैं, राजस्थान की बहुत ही लोकप्रिय और पसंदीदा डिश है। हम बताते हैं कैसे खाते हैं इसे।
और हम जानते हैं कि तुम्हें इसे ठीक से खाना नहीं आएगा, तो हम ही दिखा देते। अब देखो हमारे बाबू की नौटंकी, अब ई हमका अपने हाथ से खिलाएंगे और आदर्श का दिखाएंगे कि दाल बाटी चूरमा कैसे खाया जाता है। वाह रे हमरा बाबू, सीखो बेटा आदर्श तुम हमका का, हम तो मजा लेके खाएंगे। ये लो। आपको क्या दिक्कत है? वो चाहे जिसको मर्जी खाना खिलाए, आप अपने काम से काम रखिए, समझिए आप? वाह भाई, वाह वाह, क्या क्या बात है बोलिया, क्या करोगी अब? तुमको लग रहा था पिछला वाला आदर्श पुनः धरती पर आए गवाह है, पर ही का हुई गवाह, अकल ठिकाने आए गई। यादव डेरी, तुम तो बहुत ही पहुंचे हुए निकले। तुम भले ही कितने गिरे हुए घटिया और दुई कौड़ी के इंसान हो, लेकिन एक चीज तुम बहुत बढ़िया कर दिए कि हमरा बात मान लिए। काहे कि हम तुमसे बोले थे कि हमारी बहन मतलब तुम्हारी बहन, ये बात तुमको समझ में आ गई, पर एक बात हमरे समझ से बाहर है और हमको हैरान कर रही है कि तुम बगुले की तरह वकीलाइन पे कब से नजर टिकाए हुए थे, हैं? कब से चल रहा है सब? जानते हो ना अपनी बीवी के खिलाफ कोनो भी वाहियात बात नहीं सुन सकते हम। अरे तो मत सुनो ना बाबा, जानते हैं हम तुमका, नहीं सुन सकते हो, सुनाए नहीं रहे तुमका, देख तो सकते हो, देख का है नहीं रहे हो, कौन मन घड़ंत कहानियां नहीं बना रहे हैं तुम्हें सुनाने के लिए, जौन दिख रहा है वो बोल रहे हैं। अपना भाई के गिरेबान पे हाथ डाले से पहले ये यादव डेरी को काहे नहीं गाड़ देते हो जिंदा? अबे कुटाई काहे नहीं करते हो इका? तुमको तो बेटा निपटाएंगे हम। तुमको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है ना बाबा, तुम्हारा आंखों पे पट्टी लगा हुआ है, हमारा आंखों पे पट्टी नहीं लगा हुआ है, इसलिए जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, नहीं समझना है तो मत समझो। चाचा जी ये तो ट्रायंगल लव स्टोरी शुरू हो गई है ना? तुमको बताया कभी कौन सा स्टोरी शुरू हुआ है? चुपचाप यहां से निकल लो, मना अब भी कभी तुम्हारा ट्रायंगल तोड़ देंगे, बता रहे। किस किस का मुंह रोकेगा बाबा, इतना बड़ा कारनामा कर रही है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो देख के कांप गए रे। तुमको अपनी मेहरारू पे गुस्सा होना चाहिए, सब पर गुस्सा उतार रहा है। क्या कर रही है रे तू बेशरम, हमरा बाबा यहाँ खड़ा होकर दुखी हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? और एक औरत ना अपने लिए काट की सौत भी बर्दाश्त नहीं करती, और मरद अपनी मेहरारू के लिए गैर मरद की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करता। तू ये दर्शवा के साथ रात में कमरे में अकेले बंद हो जाती है, बोरे उसके साथ बैठ के सलाम मशवरा करती है, और पता नहीं क्या करती है, तू जाने तुम्हारा भगवान जाने।
अभी उसको निभाला खिला रही है, मुंह में पेट साला आ रही है उसका। अरे तुमको दिखता नहीं हमारा बेटा यहाँ पे एक निभाले के लिए चुपचाप खड़ा है? अम्मा लगता है आपके पास और कोई काम नहीं है, हमेशा एक ही मकसद होता है, हमें रोक टोक करना, हमें नीचा दिखाना, हमें जलील करना। मेहरबानी करके हमारे मामलों में हमें संस्कार और सही गलत सिखाना बंद कर दीजिए। बस बाबा, बस। बहुत फालतू बोलने तुम्हें, बस हमका जलील करने में संतुष्टि मिल रही है तुमका, तुम करो यार, जितना मन कर रहा है कर लो, बाकी हमारे साथ साथ अम्मा या कोनो और को न लपेटो बीच में।